नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं ग्राम इनखेड़ा में। भैया से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? गोलू बनकर। गोलू बनकर, अच्छा अच्छा ये आपका जो खेत है कितना होगा लगभग? ये 1.25 एकड़ होगा। 1.25 एकड़, मतलब 1.25 एकड़। तो आपने जब बोया उस टाइम पर कितना खाद मिला के बोया इसमें? 2 बोरी मिलाया। अच्छा, 2 बोरी मिला के बोया है। अच्छा अच्छा और 2 बोरी मिलाने के बाद में जैसी ग्रोथ किया वैसी कोई पीलापन वगैरह तो नहीं दिखा आपको? कुछ भी नहीं दिखा। अच्छा, बढ़िया ग्रीननेस दिखा, हरा हरा दिखा, है ना? पूरा हरा। उसके बाद में आपने जब पहला पानी दिया उसके पहले भी आपने डाला? हाँ, पहले पानी पे 2 बोरी डाला। अच्छा, पहले पानी पे फिर आपने 2 बोरी डाला। अच्छा, देखिए गोलू भैया ने बोने के साथ में 2 बोरी डलवाया है और सेकंड मतलब फर्स्ट जब पानी दिया उसके पहले भी उनने 2 बोरी डलवा के फिर पानी छोड़ा। तो आप देख सकते हो इधर गेहूं कैसा है, पूरा हरा हरा गेहूं दिख रहा है और इसमें कलर भी अच्छा दिख रहा है और पौधा भी अच्छा बना और हाइट भी अच्छी है। अभी गोलू भैया से और चर्चा करते हैं। भैया आप इसमें और भी खाद डालने की इच्छुक हो आप? और 1 बोरी डालना है। अच्छा, 1 और बोरी डालना है, मतलब आपको 1 और बोरी डालना है। तो इसके साथ साथ और भी कैसे रिजल्ट मिलेंगे मैं बताता हूँ। आपकी जब बाली आ जाएगी तो वो मोटी रहेगी, प्लस उसकी हाइट भी अच्छी रहेगी, जो बाली रहती है ना उसकी। उसके साथ साथ में आपका जो गेहूँ रहेगा उसकी चमक भी अलग रहेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ों में क्या है कि इसकी चमक अलग रहती है और दाना भी अपना मोटा रहता है। अच्छा, बाकी आप संतुष्ट हो इस खाद से? हाँ जी, है ना। अच्छा, आप लोगों के और भी खेत देखते होंगे तो उनको कैसा दिखता है आप ये बताइए थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को। अच्छा दिखता है। नहीं, अपना जो खेत है उस खेत से और दूसरे खेत से थोड़ा अंतर दिखता है कि नहीं? बहुत है? अंतर दिखता है। है अंतर? हाँ। अच्छा, अपन साइड में ये इधर साइड दिख रहा है मेरे को, पूरा पीला पीला गेहूँ दिख रहा है। तो वो मेरे ख्याल से उनने अभी कुछ डलवाया नहीं है। उन्होंने यूरिया डलवाया। अच्छा, यूरिया डलवाया, फिर भी उनका उतना रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, यूरिया का जितना रिजल्ट नहीं उतना अपना धरनीधरा जैविक खाद। ये अपनी कंपनी है, पंखा पर फैक्ट्री है, इसका मेन ब्रांच HDFC बैंक के सामने बैतूल में है। और जब भी जिसको भी खाद लगे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।